इज अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी मुस्तफीजुर रानी वाचिंग क्रेजी बाय करम। तो यार राइट नाउ इट्स 9:20 इन द मॉर्निंग। आज है 14 अप्रैल। सो आज से रमजान शुरू हो रहा है, तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रमजान। जो रमजान का जो महीना होता है बहुत ही स्पेशल होता है, और इस महीने की शुरुआत बहुत ही स्पेशल तरह से हो रहा है। एंड आई हैव नो वर्ड्स दैट मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ, डेफिनेटली आप लोग देख लोगे। तो आई एम रियली हैप्पी एंड रियली एक्साइटेड। तो मैं जा रहा हूँ अपने बकुल्ला के घर। बकुल्ला को बहरमपुर में बहुत सारे लोग ही जानते हैं। ही इज़ अ हार्ली डेविडसन फैट बॉय एंड ही इज़ अ हार्डकोर राइडर, ये तो आप जानते ही हो। बट नाउ ही इज़ गेटिंग हिज न्यू बाइक, द न्यू BMW S1000 RR। तो यार मैंने फोटो देखा बाइक का, ओ माई गॉड, द बाइक लुक सो डैम ब्यूटिफुल। एंड आई नो कि सामने से और भी खूबसूरत दिखेगा, एंड आई कांट वेट टू सी द बाइक। तो अभी क्या करता हूँ, मैं जितना जल्दी हो सके वहाँ पे जाता हूँ, बाइक को अनलोड करता हूँ एंड आप लोगों को दिखाता हूँ दैट कैसा दिखता है बाइक। मैं भी एक्साइटेड हूँ, आई नो आप लोग भी बहुत एक्साइटेड हो। मेरे मुंह पे फिर से भाई यार माउथ अल्सर हुआ है, मुझे यार थोड़ा तकलीफ हो रहा है बात करने में। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। तो अभी इसको थोड़ा सहलो इस ब्लॉग के लिए, बिकॉज ये तो आज ठीक नहीं होगा। तो क्या करता हूँ अभी, मैं जितना जल्दी हो सके ऐसा निकलता हूँ। अभी मैं कन्फ्यूज हूँ कि यार कार लो कि बाइक लो, बिकॉज यार गर्मी में यार डिहाइड्रेट नहीं होना है, बिकॉज रोज़ा रखा है मैंने। लेट्स सी क्या करता हूँ। चलो अभी फटाफट से सब कुछ लेता हूँ एंड आई विल सी ऑन द रोड गाइस। चलो मिलते हैं रोड पे। वेल एवरीवन, स्मॉल चेंज इन प्लान। बकुल्ला के घर नहीं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ सीधा जो रिनो का शोरूम है, यामाहा और रिनो का शोरूम, वहाँ पे जा रहा हूँ पासपोर्ट ऑफिस के। वहाँ पे एक्चुअली जो रैंप मिला ना, एक्चुअली बाइक को तो उतारना पड़ेगा, तो वहाँ पे ही होगा ठीक से सब उतारना बाइक को। तो वहाँ पे ही जा रहा हूँ अभी, तो चलो वहाँ पे जाता हूँ एंड या देन आई विल सी यू गाइस। चलो एंड बाय द वे आई एम टेकिंग माय कार आउट डेफिनेटली। चलो चलते हैं वहाँ पे, मिलते हैं गाइस। আচ্ছা, এখানে গাড়িটা আনলোডিং হবে। সো এভরিওয়ান, বকুল্লা ইয়াহ পে আবি আ চুকা হ্যায়। অ্যাজ ইউ ক্যান সি হি ইজ অন হিজ অডি এন্ড বাইক ভি আবি আ হি জায়েগা। তো একসাথে মিলকে চলো ইসকো আনভিল করতে হ্যায় আর বাইক কো নিকালতে হ্যায়, ঠিক হ্যায়। আই এম ভেরি মাচ এক্সাইটেড গাইজ, আই ক্যান্ট কন্ট্রোল মাই সেলফ অ্যাকচুয়ালি। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम एक्चुअली। जो पहले पारवेजा का बाइक था वो डिलीवरी लिया था, दिस इज सेकंड प्रीमियम बाइक जो कि मैं डिलीवरी ले रहा हूँ। एंड यस, सही है गाइस। चलो अभी बाइक आने दो एंड देन आई विल सी यू गाइस। चलो मिलते हैं। ओके ब्रो, सो हियर इज बकुल्ला। तो जो एक्चुअली बहुत सारे लोग, जितने भी सारे बहरमपुर से लोग हैं और भी बहुत सारे लोग, इनको जानते ही होंगे। ये एज इज हार्ली डेविडसन, एंड हार्ली डेविडसन में 40,000 किलोमीटर कम्प्लीट है। बहुत ही बड़े बाइक एंथूसियास्ट है, तो पहले अभी भी उनके पास हार्ली डेविडसन है एंड ही इज़ नाउ टेकिंग हिज BMW S1000 RR। तो बकुल्ला, व्हाट इज़ द रीज़न यू गेटिंग दिस मोटरसाइकिल एंड व्हाई यू चूज दिस पर्टिकुलर मॉडल? एक्चुअली देखो भाई, पहले से ही हमको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में ये ज़्यादा इंटरेस्ट था। फ्रेंड व्रेंड को लिए देखा रही, काफ़ी इंकरेजेस लगता था हमको वो बाइक चाहिए, लेकिन भाई पैसा नहीं था उस टाइम। उसके बाद था, इसीलिए हमने HD ले लिया। उसके बाद क्रूजिंग किया, क्रूज में भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। उसके बाद सोचा फिर से क्यों ना वो ड्रीम फुलफिल कर लेते हैं, क्योंकि देखो यार अभी मैं 40+ हो गया हूँ और आई हैव 5 to 7 years नाउ फॉर स्पोर्ट्स बाइक। सो आई एम ट्राइंग फॉर दिस एंड ले लिया। आफ्टर 5 years फिर से क्रूजिंग करेंगे, हले भी रहेगा मेरे, डेफिनेटली फुल होगा डेफिनेटली, और भी सारे बाइक आएंगे। अगर वो वाला ने चाहा तो होगा, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। यू आर वेरी, जो भी होगा बाइक में होगा। हां बाइक में होगा, कार में उतना इंटरेस्ट नहीं है मेरा। ऑलरेडी यू हैव अ बॉडी, तो या बाइक में भाई भैया का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। एंड व्हाई यू चूज दिस मोटरसाइकिल पर्टिकुलर BMW S1000? लुक, मैंने वो काफी सारी बाइक देख रहा था, बहुत सारी बाइक अभी इंडिया में है। एक्चुअली मेरे चॉइस में और एक बाइक था, Ducati V4S, या बट मेरा जो हाइट है, सीटिंग हाइट में कुछ प्रॉब्लम है, उसका शायद ज्यादा हाइट है, शायद 835 और 840 में होगा, तो मेरे लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो गया। ये 824 है सीटिंग है, तो उसके हिसाब से मैं इसको चूज किया। और ये इलेक्ट्रॉनिकली बहुत एडवांस बाइक है, बहुत सारे फीचर्स भी है और इसका ट्रैक्शन कंट्रोल भी अच्छा है, मैंने पहले भी चलाया है इसको।
तो सिक्योरिटी फीचर भी है, तो इसका लुक तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया लुक है। तो डेफिनेटली बहुत सारे रीज़न है ही स्पीकिंग दिस मोटरसाइकिल। तो यस, चलो अभी ट्रक को यहाँ पे आने दो, फिर इसको अनलोड करते हैं एंड आप लोगों को दिखाते हैं। ड्राइवर ऑलरेडी कॉल कर रहा है अनलोडिंग के। चलो 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 टायर बोलना है लेकिन इवनिंग पे बोलूंगा, जो भी बोलूंगा। वेल एवरीवन, सो बाइक इज नाउ डाउन। एक्चुअली ट्रक से हम लोगों ने निकाल लिया बाइक एंड दिस इज अ बीस्ट गाइस, बिलीव मी ऑर नॉट, दिस इज अ कंप्लीट बीस्ट। यार मैं फोटो में देखता था, वीडियो में देखता था, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस मोटरसाइकिल इन फ्रंट ऑफ मी एंड इट्स लुक सो डैम ब्यूटीफुल। तो यार चलो विदाउट फर्दर डू 207 हॉर्स पावर का ये बीस्ट देख ही लो आप। वेल एवरीवन, राइट नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स होम। जो बाइक का डिलीवरी था एक्चुअली, तो वो वहाँ से हो चुका है एंड रेनोवा के शोरूम के वहाँ पे डिलीवरी इसलिए हुआ बिकॉज वहाँ पे जो रैंप था ना बाइक निकालने का, वो रैंप अवेलेबल था, इसीलिए वहाँ से ही डिलीवरी हुआ है। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर, अभी घर जाऊँगा एंड देन हम लोग शाम को शायद मिलेंगे। तो लेट्स सी, अगर शाम को मिलता हूँ तो तभी वीडियो एंड करूँगा। फिलहाल के लिए अभी मेरा कुछ काम है जिसको मुझे निपटाना है, तो चलो अभी मैं काम फिनिश करता हूँ, मिलते हैं शाम को।